गुड मॉर्निंग। अरे चौधरी बनना कोई भारी काम तो है ना, लेकिन जब ये चौधराहट लोगों को परेशानी पैदा करने लगे तो ये चौधराहट बड़ी बुरी चीज़ है। और दुनिया में ऐसे कई चौधरी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी चौधराहट के चक्कर में दुनिया की वाट लगा दी। ऐसी एक चौधरी को CBSE ने रखा है क्लास 9th के लेसन नंबर 2 यूनिट 1 में नाजिज्म के नाम से। तो दोस्तों, मैं शारिफ जमील आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं शारिफ सर की SST क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दुनिया के एक ऐसे चौधरी के बारे में जो सो कॉल्ड चौधरी करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसकी ये नकारात्मक सोच और उसका ये जुनून उसे और दुनिया को किधर ले गया, और उस मुल्क के लोगों ने किन किन परेशानियों को फेस किया, और उनके उन हरकतों की वजह से आज भी उस मुल्क के लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं नाजिज्म के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे हिटलर और उसकी पूरी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। बात जर्मनी की है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम हेलमुट था, वो रात को अपने माता पिता को ये बात करते हुए सुनता है कि हम लोगों ने बहुत जुल्म किया है अपने ही मुल्क में रहने वाले दूसरे किसी समुदाय पर, और अब हम जंग हार चुके हैं, तो क्यों ना हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को और खुद को जहर दे देना चाहिए। ये बात हेलमुट ने अपने माँ बाप को करते हुए सुना। अगले दिन हेलमुट के पिताजी, जो कि एक ऑफिसर थे सरकारी, वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ पूरा दिन पिकनिक पर गुजारते हैं, और शाम को वो वापस आते हैं, खाना वाना खाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। सुबह को जब उठता है हेलमुट, तो उसका परिवार, उसकी मादा और वो खुद ये पाते हैं कि हेलमुट के पिता ने अपने आप को शूट करके आत्महत्या कर ली। दोस्तों, कहानी यहाँ तक जो है वो एक दुखदायी कहानी है। कई सवाल हमारे जहन में उठाती है कि वो ऐसी कौन सी स्थितियाँ थी कि जिसके चलते हेलमुट के फादर अपने बच्चों को भी जहर देना चाहते थे और वो खुद को शूट भी कर लिया। इसके अलावा इसका जो दूसरा फेज है दोस्तों, वो भी इतना ही दुखदायी है जितना ये। जब हेलमुट को ये पता चला कि उसके पिता ने, उसने देखा उनको डेड बॉडी जो खून में लथपथ थी शूट होने के बाद, गोली लगने के बाद में, और उसके मन में वो पुरानी बात जो उसने एक दिन पहले सुनी थी कि क्यों ना अपने बच्चों को जहर दे दिया जाए, ये घर कर गई, और उसने आने वाले 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया, अपनी माँ के हाथ का भी खाना नहीं खाया। तो दोस्तों, ये दूसरा सवाल हमारे मन में उठता है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन सी कंडीशन थी जिसमें एक बच्चा इतना ज़्यादा डर जाता है वो अपनी माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाता है। तो चलिए हम और आप बहुत शॉर्ट में नाजिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि नाजिज्म एक्चुअली है क्या चीज़। दोस्तों, ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की। जर्मनी के अंदर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर का उदय हुआ जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर की जिंदगी शुरुआती दौर में बहुत अच्छी नहीं गुजरी थी, लेकिन वक्त के साथ उतार चढ़ाव के बाद हिटलर को मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, और उसकी पार्टी ने काफ़ी बड़े बहुमत के साथ जर्मनी की पॉलिटिकल व्यवस्था में पकड़ बनाई। उसके बाद जर्मनी की पार्लियामेंट में एक रहस्यमय आग लगी जिसमें सारे कागज जला दिए गए, और उसके बाद हिटलर ने एक कानून पास किया, द एनेबलिंग एक्ट 1933। 1933 में एनेबलिंग एक्ट पास करने के बाद तमाम पॉलिटिकल पावर हिटलर ने अपने कब्जे में ले ली, और वो जनता द्वारा चुने गए नेता के रूप में नहीं बल्कि एक तानाशाह के रूप में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद हिटलर ने अपनी कुंठाओं को पूरा करना शुरू किया। उसके मन के अंदर जो जहर था उसी देश के दूसरे समुदाय के प्रति वो धीरे धीरे सरफेस पे आने लगा। दोस्तों, इस जहर के पीछे कई कारण हैं। इसका एक कारण हिस्टोरिकल भी है, वो कारण मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हम बात ये करते हैं कि हिटलर ने किसके साथ और क्या किया। एक्चुअली हिटलर जब गद्दी पे बैठा तो वो, उसका कहना ये था कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, जर्मनी के रहने वाले जिनकी आंखें नीली हैं, वो ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति है और वो दूसरों पर राज करने के लिए पैदा हुई है। इस बात को प्रोपेगेट करते हुए उसने अपनी समाज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें आखिरी हिस्से में ज्यूज आते थे, अनडिजायरेबल पॉलिश नॉर्डिक, टॉप से नॉर्डिक आर्यंस थे, फिर पॉलिश और ये आपके अनडिजायरेबल, और लास्ट में ज्यूज। तो ज्यूज को वो ह्यूमन ही नहीं मानते थे। पहले राउंड में हिटलर ने ज्यूज को कहा कि वो देश छोड़ दें, कुछ लोग देश छोड़ के चले गए। उसके बाद अगले राउंड में उसने घैटो की एक कॉन्सेप्ट दी। घैटो हिंदी में कहा जाता है दड़बे को।
तो उन्होंने अपनी बस्तियों से अलग इन लोगों के लिए बस्तियां बना दी जिसमें छोटे छोटे कमरे थे जो बहुत कंजेस्टेड थे, और जी उसको खदेड़ दिया गया उन घाटोज के अंदर। तीसरे राउंड में उनसे कहा गया कि वो घाटोज को भी खाली कर दें, अदरवाइज उन लोगों को इलीगल नागरिकों की हैसियत से रख के और उनके साथ ज्यादतियां की जाएंगी। कुछ लोग पास की कंट्रीज पोलैंड वगैरह में भाग गए, बाकी जो बचे अब हिटलर ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया। और हिटलर ने नियम बना करके स्पेसिफाइड कॉप्स बना करके उन लोगों को पकड़ना शुरू किया। ये कहा जाता है और ये है भी सच, आप चाहें तो वीडियो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, उन गाड़ी घूमती रहती थी पुलिस की और वो उन चीज को चेक करके उठा लेके जाया करती थी, और उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के उन्हें यातनाएं दी जाती थी, और उन यातनाओं के बाद उन लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी जाती थी। कुछ भूख से मर जाते थे, कुछ बीमारी से मर जाते थे, और जो बचते थे उनसे कठिन परिश्रम करा के उनको मार दिया जाता था। आप यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च कीजिए उस पीरियड की वीडियोस, तो आप देखेंगे कि किस निर्दयता के साथ जी उसकी हत्याएं की गई। कमाल यह था कि हिटलर ने अपने सारे कामों को कुछ सीक्रेट वर्ड्स, सॉरी टू से सीक्रेट नहीं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स से रिप्रेजेंट कराया। फॉर एग्जाम्पल, जब वो जी उसकी हत्या करते थे तो उसको कहते थे डिसइन्फेक्शन, जब किसी को मौत के घाट उतारते थे तो दे यूज टू से कि हमने इसका फाइनल सॉल्यूशन कर दिया। तो ये खबरें बाहर नहीं पास हो पाती थी कि अंदर चल क्या रहा है। धीरे 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 ये मामला बाहर पहुंचा और फिर जर्मनी पर हमला किया गया बाकी कंट्रीज की तरफ से, और जब उनकी फौज अंदर आई तो उसने पाया कि जी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। तो हिटलर एक ऐसा, मैं शुरू में आपसे मैंने कहा कि हिटलर तो ऐसा चौधरी था या बनने की उसने कोशिश की जिसने आज भी जर्मन के लोगों को दूसरी कंट्रीज के सामने शर्मिंदगी का बाइस बनाया। दोस्तों, नाजिज्म दुनिया में एक ब्लैक चैप्टर, एक काले अध्याय की तरह से हम लोग नाजिज्म पढ़ाते हैं और उसे टैली भी करते हैं आज की व्यवस्था के साथ अलग अलग मुल्कों की, लेकिन हम पाते ये हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में नाजिज्म आज भी कहीं जिंदा है। चाहे हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हो, चाहे हम कोई दूसरा फॉर्मेट फॉलो करते हो अपने कंट्री में, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आज भी कहीं ना कहीं नाजिज्म की विचारधारा से प्रभावित है, और वो उन कदमों को आज भी उठा दी है जो हिटलर ने खुले तौर पर उठाए थे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक नई वीडियो के साथ और एक प्रॉपर बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ नाजिज्म को मैं अपनी दूसरी वीडियोस में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। मेरा ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप दैट अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ द सिलेबस वी विल प्रोसीड। टिल देन, गुड बाय।